नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका पटेल और अब नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत बुधवार की सुबह से ही नाजुक चल रही है। वहीं एम्स डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम उनके स्वास्थ्य को लेकर चौकस हो गई है। खबर के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाजपेयी जी का हालचाल लेने पहुंची। उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे। गौरतलब है कि मधुमेह के शिकार 93 वर्षीय वाजपेयी जी का एक ही गुर्दा काम करता है। समस्तीपुर जिले में बारिश नगर प्रखंड के हांसा गांव में एकमात्र बचे स्वतंत्रता सेनानी बाबू उपेंद्र नारायण सिंह का कल उनके पैतृक गांव में निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी के निधन की खबर मिलते ही बारिश नगर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानी को नमन किया और उन्हें सलामी दी। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड कार्यालय में कल झंडोत्तोलन के दौरान बरियारपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जूता पहनकर तिरंगा फहराया। जब इस प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जूता उतारना कोई जरूरी नहीं है। वहीं समाज सेवी राजेश वर्मा ने बताया कि जिन पदाधिकारियों को तिरंगे के विषय में कोई जानकारी नहीं हो ऐसे पदाधिकारियों को सेवामुक्त कर देना चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने तिरंगे का उल्लंघन किया है, बावजूद इनके विकास पदाधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर बछवारा हाजीपुर रेलखंड पर ट्रेन और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक की मौत मौके पर ही हो गई। जानकारी के अनुसार जनहित एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। ऑटो में और कोई सवार नहीं था, नहीं तो और भी जाने जा सकती थी। हादसे की सूचना पर स्थानीय पुलिस और सोनपुर मंडल के कमांडेंट मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉगिन कीजिए citypostlive.com।